भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया फर्स्ट T20 सीरीज का काफी घातक विस्फोटक मुकाबला। पहले T20 मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कहर बरसा दिया और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। 3 मैचों की वनडे सीरीज श्रीलंका के खिलाफ पहले खेली गई, जहां पर भारतीय टीम को 2 वनडे मुकाबले में काफी बड़ी हार मिली। तो गुस्से में आकर के कप्तान रोहित शर्मा, घातक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव ने यहां पर बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में डटकर बल्लेबाजी की और T20 मुकाबले में भारतीय टीम के तीनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने इतने रन ठोक दिए कि आज से 270 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह न कर पाए, वो हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने कर दिखाया। तो वहीं लास्ट में आकर के महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाने वाला बल्लेबाज यानी कि रिंकू सिंह ने लास्ट में आकर के तूफानी विस्फोटक तरीके से लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच फर्स्ट T20 सीरीज के मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेरों ने महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गौतम गंभीर के पसीने छूट गए, रोहित शर्मा, विराट कोहली और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच फर्स्ट T20 सीरीज का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस की बाजी जीतकर बांग्लादेश के कप्तान और गेंदबाज काफी ज्यादा खुश हुए, शायद उन्हें लगा कि टॉस की बाजी हम जीत गए हैं तो श्रीलंका की तरह इस मुकाबले को भी जीत लेंगे और भारतीय टीम को खदेड़ देंगे। लेकिन शायद ये सबसे बड़ी यहां पर बांग्लादेश के गेंदबाजों की बेवकूफी रही। मैदान पर हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा और टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ही एक ओवर में शानदार तरीके से 2 कवर ड्राइव चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम की शुरुआत काफी ज्यादा बेहतर थी तो वहीं टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली भी कहां किसी से पीछे जाने वाले थे। दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर विराट कोहली ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में लगातार 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर कहर भरी बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाजों को धूल चटाने लगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। रोहित शर्मा और विराट कोहली को आउट करने के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर रोहित शर्मा ने पहली बॉल पर एक छक्का ठोक दिया, तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की चौका ठोक दिया तो वही तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर फिर छक्का ठोक दिया और रोहित शर्मा ने लगातार ऐसे 2 छक्के और 3 चौके फिर यहां पर तीसरे ओवर में ठोक दिए। तो वही विराट कोहली जब चौथे ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए तो विराट कोहली ने चौथे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 4 छक्के और 2 विस्फोटक कवर ड्राइव की चौके लगा दिए। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाजों को धूल चटा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को क्या हो गया है। जो भी भारतीय टीम का बल्लेबाज आ रहा था वो तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहा था। लेकिन यहां पर 7वें ओवर की 4थी बॉल पर भारतीय टीम को पहला झटका लगा जब टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली यहां पर आउट हुए। लेकिन विराट कोहली ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में शतकीय पारी खेल डाली 7वें ओवर तक जाते जाते और तूफानी विस्फोटक शेर ने ताबड़तोड़ तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब विराट कोहली आउट हुए तो मैदान पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए। 8वें ओवर में शुभमन गिल जैसे ही मैदान पर कदम रखा, शुभमन गिल ने चौके से शुरुआत की। बेहतर शुभमन गिल काफी बेहतर खेलने लगे, शुरुआत भी भारतीय टीम की काफी ज्यादा बेहतर थी। शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 8वें ओवर की पहली बॉल पर चौका लगा दिया तो वहीं 6ठी बॉल पर एक छक्का ठोक दिया, शुभमन गिल 10 रन ले आए। तो वहीं तूफानी विस्फोटक भारतीय टीम के ताबड़तोड़ बल्लेबाज मैदान पर कहर बरसा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज का माथा चकरा गया, बांग्लादेश के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को आउट करें तो करें कैसे। कुछ बांग्लादेश के गेंदबाज ऐसे थे जो रोहित शर्मा का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार रोहित शर्मा के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते बेहतरीन तरीके से 9वें ओवर की 6 गेंदों पर शानदार तरीके से 2 कवर ड्राइव चौके और 4 आसमानी गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। रोहित शर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने काफी बेहतरीन पारी खेली थी लेकिन भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। रोहित शर्मा का वही गुस्सा यहां पर निकल गया और रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई
कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन 10वें ओवर में भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा 10वें ओवर की चौथी बॉल पर एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। जी हां, वो बॉल बाउंड्री के भीतर ही रह गई जहां पर बांग्लादेश के फील्डर ने उस बॉल को बड़ी आसानी से कैच कर लिया और रोहित शर्मा कैच आउट का सामना कर बैठे। अब रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर आया घातक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जिसने मैदान पर कदम रखते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हार्दिक पांड्या तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल जब आउट हुए यहां पर 55 रन ठोककर तो मैदान पर विकेट कीपर ऋषभ पंत बल्लेबाज आए। लेकिन विकेट कीपर ऋषभ पंत पूरी तरीके से फ्लॉप रहे और मैच 4 रन बनाकर के आउट हो गए। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आया सूर्य कुमार यादव। जी हां, सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करता है। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर कदम रखते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजने लगा। सूर्य कुमार यादव ने घातक विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 11वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। भारतीय टीम के खूंखार विस्फोटक बल्ले हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कुछ बांग्लादेश के गेंदबाज ऐसे थे जो बार बार दौड़कर सूर्य कुमार यादव का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार सूर्या के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। सूर्य कुमार यादव की आक्रमण और विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कैर बरसा रही थी। ये बात है 12वें ओवर की जब घातक विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर थे। हार्दिक पांड्या ने 12वें ओवर की पहली बॉल पर एक तगड़ा शॉट खेलकर छक्का लगा दिया तो वहीं दूसरी बॉल पर एक चौका ठोक दिया तो वहीं तीसरी बॉल पर 2 रन भाग करके ले लिए तो वहीं 12वें ओवर की चौथी बॉल पर फिर एक चौका ठोक दिया तो वहीं 12वें ओवर की 5वीं और 6ठी बॉल पर फिर छक्के ठोक दिए। यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज घातक बल्लेबाज आप सभी को बता दें हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 26 रन बना दिए। इस तूफानी विस्फोटक शेर ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं सूर्य कुमार यादव तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर कहर बरसा रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे 13वें ओवर तक जाते आते सिर्फ भारतीय टीम के 3 ही विकेट गिरे थे और भारतीय टीम के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्ला टीम की तरफ से एक खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आया। उसने अपने आप में संकल्प ले लिया कि हम एक बल्लेबाज को आउट जरूर करेंगे। लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने यहां पर 14वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए और उस गेंदबाज का जो है सिस्टम ही खराब कर दिया। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। लेकिन फिर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जब ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या यहां पर 68 यानी कि 68 रन ठोक करके आउट हो गए। जब हार्दिक पांड्या आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था रिंकू सिंह, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है, जो काफी खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज है। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। रिंकू सिंह को दूसरा महेंद्र सिंह धोनी भी कहा जाता है। जब जब टीम इंडिया मुसीबत में पड़ी है तो रिंकू सिंह ने ही मैदान पर आकर के मुसीबत से निकाला है। रिंकू सिंह ने मैदान पर कदम रखते ही 14वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं बल्कि लगातार 5 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर इस कदर चला मानो कि सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी या कपिल देव खेल रहे हो। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए ताबड़तोड़ तरीके से आक्रमण बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। रिंकू सिंह को आउट करने के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया तो वहीं गौतम गंभीर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित, विराट के पसीने छूट रहे थे। रिंकू सिंह काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में छक्के पर छक्के और चौके पर चौके ठोक रहे थे। 15वें ओवर की 6 गेंदों पर रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोक करके युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और बांग्लादेश के एक गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। रिंकू सिंह के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया और आज से 90 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ करके युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपना एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव दोनों बल्लेबाज अभी भी मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रिंकू सिंह का बल्ला चेक करने के लिए बार बार बांग्लादेश के गेंदबाज आ रहे थे कि आखिरकार रिंकू सिंह के बल्ले में ऐसा
क्या है, जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। रिंकू सिंह तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 17वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए और काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की। तो वही रिंकू सिंह का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू सिंह काफी आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि लगातार फिर 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर हर किसी के पसीने छूट गए। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने 20वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके फिर ठोक दिए, जहां पर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 498 रन ठोक दिए T20 के मुकाबले में और 499 रनों का टारगेट यहां पर बांग्लादेश की टीम को दे दिया। जब बांग्लादेश की टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो भारतीय टीम की तरफ से सबसे पहला ओवर लेकर के गए जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने पहले एक ओवर में सिर्फ 2 रन दिए, जहां पर बांग्लादेश के बल्लेबाज कांप उठे। दूसरा ओवर डालने के लिए गए मोहम्मद सिराज। काफी तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने दूसरे ओवर में 4 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के गए रवि बिश्नोई ने। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर 1 विकेट चटका दिया और एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं तीसरा ओवर लेकर के गए घातक विस्फोटक गेंदबाज फिर मोहम्मद सिराज, जहां पर सिर्फ 1 रन दिया। यहां पर बांग्लादेश के खिलाड़ी काफी ज्यादा परेशान थे। तो वहीं चौथा ओवर लेकर के गए हर्षदीप सिंह, जिन्होंने 1 विकेट चटका दिया। तो वहीं छठा ओवर लेकर के दोबारा गए तूफानी विस्फोटक गेंदबाज बुमराह, जहां पर फिर 1 विकेट चटका दिया। हालांकि छठे ओवर तक जाते आते बांग्लादेश की टीम के 3 विकेट गिर चुके थे और बांग्लादेश के रन सिर्फ 37 बने थे। लेकिन अब यहां से गेम चेंज हो जाता है और गेम अब बांग्लादेश की ओर पलट जाता है। आप सभी को बता दें, बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जो हटने का और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। बांग्लादेश के वो तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज छक्के पर छक्के और चौके पर चौके ठोक रहे थे। भले ही चाहे उनके सामने जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद सिराज हो, या तूफानी विस्फोटक गेंदबाज हर्षदीप सिंह हो, या रवि बिश्नोई आवेश खान हो, हर एक गेंदबाज उनके सामने पानी भरता हुआ नजर आ रहा था। रवि बिश्नोई ने यहां पर 4 छक्के दे दिए अपने ओवर में, मोहम्मद सिराज ने 3 छक्के दे दिए, बुमराह ने 4 छक्के दे दिए और वहीं हर्षदीप सिंह ने लगातार 5 चौके दे दिए, जहां पर भारतीय टीम काफी ज्यादा संकट में दिखी। लेकिन फिर जब जब भारतीय टीम संकट में आई है, तब तक भारतीय टीम के लिए संकट मोचन बनकर के आए हैं जसप्रीत बुमराह, यॉर्कर के बादशाह कहे जाने वाले। यहां पर 12वें ओवर की 6 गेंदों पर बुमराह ने उन दोनों बल्लेबाजों को, जो शतकीय पारी खेल चुके थे काफी जल्दी और बेहतरीन तरीके से, उन दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दोनों को आउट कर दिया और उन दोनों बल्लेबाजों की हेकड़ी निकाल के रख दी जसप्रीत बुमराह ने और तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज। तो वहीं तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज हर्षदीप सिंह ताबड़तोड़ तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर एक बार बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज और घातक आ गए, जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक गेंदबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश की तरफ से घातक हुंकार विस्फोटक बल्लेबाज ने 14वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। यहां पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज हर्षदीप सिंह जब यहां पर 16वां ओवर लेकर के गए, तो हर्षदीप सिंह के 16वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। लेकिन फिर रवि बिश्नोई ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 17वें ओवर में 1 विकेट चटका दिया और एक बल्लेबाज को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज रवि बिश्नोई ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए 17वें ओवर में 1 विकेट और चटका दिया। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने 17वें ओवर तक जाते आते सिर्फ 6 विकेट ले पाए। लेकिन अभी 2 बांग्लादेश के बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। एक पल के लिए ऐसा लगा कि भारतीय टीम अब पहला T20 का मुकाबला इन बांग्लादेश से हार जाएगी और भारतीय टीम को काफी सर्वसार हार देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं बल्कि 2-2 विकेट चटका दिए और पूरी की पूरी टीम 19वें ओवर तक जाते आते सिमट गई। यहां पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 4, मोहम्मद सिराज ने 3, तूफानी विस्फोटक हर्षदीप सिंह रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट चटका दिए और भारतीय टीम ने बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और रोहित शर्मा, तूफानी विस्फोटक खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली ने ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेली और यह मुकाबला, यानी कि पहला T20 का मुकाबला अपने नाम किया और भारतीय टीम ने जीत लिया।